everyone, welcome back to Boundless Learning. In today's video, we'll be discussing a very important topic from this chapter, from the respiration part, which is oxidative pathways of glucose, or the breakdown of glucose by the help of different oxidative or breakdown pathways. So let's get started. You can look at the screen and you are seeing this one image. क्या आप गेस कर सकते हैं किस चीज की इमेज आपने बहुत जगह देखा होगा, ये आपने क्लास नाइन्थ में बहुत ज्यादा डिटेल में इसको स्टडी किया है. यस, यू गेस्ट इट राइट, क्योंकि ये इस डायग्राम में हमको देखने को मिल रहा है कि सेल मेम्ब्रेन लिखा हुआ है, साइटोप्लाज्म लिखा है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गॉल्जी एपैरेटस, बहुत सारे डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है. तो ये सब एक किस चीज में कॉन्स्टिट्यूट होता है? यू गेस्ड इट राइट, इट इज द यूकैरियोटिक सेल. इट इज द एडवांस सेल. यूकैरियोटिक सेल इज द सेल जहां पर न्यूक्लियस के अराउंड एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. ओके, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है जो कि एक मेजर रोल प्ले करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी और इन द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी. अगेन, यस, इट इज द माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. व्हाई इट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? बिकॉज ये हमारे सेल के लिए एटीपी बनाने का काम करता है, हमारे सेल को एनर्जी देने का काम करता है. इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे सेल का, विच इज द साइटोप्लाज्म. अब रेस्पिरेशन के लिए साइटोप्लाज्म क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब हमने ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज देखा था, जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है इनटू पाइरूवेट, कहां पर होता है? यस, इन द साइटोप्लाज्म. सो साइटोप्लाज्म इज द साइट फॉर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरूवेट. और यही जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था? ग्लाइकोलाइसिस. Glycolysis is the process of breakdown of glucose into two molecules of three carbon pyruvate. So, ये आपका overview था. Now comes the main part, which is the breakdown of glucose by various pathways. अब यहाँ पर क्या है? हमारे पास glucose present है. We have a six carbon molecule, which is glucose. Glucose का breakdown हो रहा है into टू मॉलिक्यूल्स ऑफ थ्री कार्बन, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ थ्री कार्बन कंपाउंड विच इज पाइरूवेट. अब ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में. इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? इस प्रोसेस का नाम होता है ग्लाइकोलाइसिस. ओके, अब जब ये पाइरूवेट बन गया, तो इस पाइरूवेट के आगे जाके टोटल थ्री फेट्स हो सकते हैं. थ्री फेट्स का क्या मतलब है? कि इस पाइरूवेट का जो फर्दर ब्रेक डाउन है, तीन तरीके से हो सकता है. इसकी तीन तकदीर क्या होगी वो हम देखते हैं. सबसे पहले देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ इंटू पाइरूवेट. ये पाइरूवेट अगर माइग्रेट करके माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, अगर ये माइग्रेट करके माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है और इसके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इस टाइम पे होगी हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन. और एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पे हमें पता है क्या 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 प्रोडक्ट्स बनते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड, वाटर इज फॉर्म्ड, एंड एनर्जी इज फॉर्म्ड. कितनी एनर्जी? 38 एटीपी ऑफ एनर्जी. ये फर्स्ट हो गया. सेकंड पाथवे, अगर इसमें हमारे मसल सेल्स में ऑक्सीडेशन हो रहा है, मसल सेल्स में, और वी हैव लैक ऑफ ऑक्सीजन. अब इसको ध्यान रखना कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, बट लैक ऑफ ऑक्सीजन. ऐसा नहीं कि हमारे पास ऑक्सीजन बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, बट सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है. तो उस टाइम पे हमारे मसल सेल्स में क्या होगा? हमारे मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड बनेगा और एनर्जी बनेगी. ठीक है, लैक्टिक एसिड बन गया और साथ में हमको एनर्जी मिल गई. थर्ड एंड द लास्ट प्रोसेस, विच इज, अगर हमारे पास कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है एन एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है. अगर ये एन एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पर होगा? दिस एन एरोबिक रेस्पिरेशन विल टेक प्लेस इन ईस्ट.
यीस्ट में क्या बनता है, यीस्ट में बनता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. कितना एनर्जी, ओनली 2 ATP ऑफ एनर्जी. यहाँ पर भी कितनी एनर्जी बनेगी, 2 ATP ऑफ एनर्जी. सो दिस वॉज द होल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाई वेरियस पाथवेज. यही आपका जो चार्ट है, ये डायग्राम है, आपका NCERT में बना है एंड इट इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो एक बार हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं. यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज विच इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल. ये ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है, साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन होता है, गिविंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड विच इज पाइरुवेट. अब पाइरुवेट के आगे जाके 3 फेट्स हो सकते हैं. अगर वो माइटोकॉन्ड्रिया में माइग्रेट किया और उसके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा. एरोबिक रेस्पिरेशन से हमको क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 38 ATP ऑफ एनर्जी. वहीं अगर ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, ये वाला अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है यीस्ट में, तब इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा एंड एनर्जी बनेगी. कितनी एनर्जी, 2 ATP ऑफ एनर्जी. वहीं अगर हमारी मसल सेल्स में इसका ब्रेक डाउन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है पाइरुवेट का विद द लैक ऑफ ऑक्सीजन. नाउ दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लैक ऑफ ऑक्सीजन है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं है. लैक ऑफ ऑक्सीजन के टाइम पे मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड बनेगा एंड एनर्जी बनेगी. अब इसी लैक्टिक एसिड को जब वापस से ऑक्सीजन मिलेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर. So, I hope you have understood. This was it for today's video. If you still have any doubts, you can comment or you can email me on the email ID given below. Thank you so much for watching. Keep learning.